आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो कैम्बियम व्हिच प्रोड्यूस कॉक इज नोन एज, ठीक है, यानी कि ऐसा कैम्बियम जो कॉक प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं। देखो, हमारी स्टेम जो होती है उसमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ओके, दो जगह पे, एक होती है स्टील वाले पोर्शन में, ठीक है, एक होती है हमारे एक्स्ट्रा स्टील वाले, मतलब एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है, देखो जो यहाँ पे कैम्बियम होता है वो हमारा क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, या फ्लोएम। हमसे पूछा है कि कॉर्क कौन सा कैम्बियम बनाता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या होता है, इस एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हमारे कॉर्टेक्स के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स के, जो होते हैं पेरेन्काइमेटस इन नेचर, ठीक है। इन सेल्स में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन कौन सा फिनोमिना है जो परमानेंट टिश्यूज में होता है, जिससे परमानेंट टिश्यू कैसे बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक। पेरेन्काइमा जो है आपको पता है हमारा ये क्या है, एक परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू जो होता है जब उसमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक बन गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स रीजन में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आ गई लेयर पूरी, ठीक है। इसी मेरिस्टेमेटिक लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और ये कॉर्क कैम्बियम जो होता है इसका दूसरा नाम होता है फैलोजन। अब मान लो ये कॉर्क कैम्बियम की लेयर है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक है, तो बाहर भी लेयर बनाता है, बाहर भी सेल्स बनाएगा डिवाइड करके, ठीक है, अंदर वाली साइड भी सेल्स बनाएगा, ठीक है। जो ये बाहर वाली लेयर जो बनाता है इसका नाम होता है कॉर्क। हमसे पूछा था कॉर्क कौन बना रहा है, तो ये कौन बना रहा है, कॉर्क कैम्बियम बना रहा है। दूसरा नाम इसका क्या होता है, फैलोजन, ठीक है। अब कॉर्क जो होता है उसका दूसरा नाम होता है फैलम। जो अंदर ये लेयर बनाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है फैलोडर्म, ठीक है, फैलोडर्म हो गया इसका नाम। यहाँ पे हमारा क्या है, कैम्बियम, कौन सा, कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों जो लेयर्स होती हैं तीनों मिलके क्या बनाती हैं, पेरिडर्म, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा तीनों लेयर का पेरिडर्म। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने देख लिया कि फैलोडर्म हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। पेरिबलम जो होता है ये हमारा आता है हिस्टोजन थ्योरी में, तो ये इसमें नहीं आता, ठीक है। पेरिडर्म हमने देख लिया कि तीनों लेयर को मिलकर पेरिडर्म बनता है। फैलोजन जो होता है ये हमारा होता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और यही क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।